हेलो गाइस, दिस इज़ योर चैनल द इन्विजिलेटर। गाइस, हम आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो राइटिंग के टॉपिक के बारे में। गाइस, मैंने जो देखा है आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मैंने देखा जो कैंडिडेट फंसते हैं, जहाँ तो वो रीडिंग में फंसते हैं जहाँ सिर्फ राइटिंग। और राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो डिफ़िकल्ट तो है लेकिन स्कोरिंग भी आपके जो ज़्यादा स्कोर है वो भी इसमें भी आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आई एम द रियल आईडी इन्विजिलेटर। तो गाइस प्लीज़, इस चैनल पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है वो 100% श्योर होती है। तो गाइस प्लीज़, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो राइटिंग के बारे में, तो जो राइटिंग होती है गाइस, राइटिंग में सबको पता है दो तरह के टास्क होते हैं हमारे पास, टास्क वन और टास्क टू। मैं आज बात करूंगा टास्क टू के बारे में। तो गाइस जो टास्क टू होता है, सबसे पहले हमें उसमें डिवीजन करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको टॉपिक दिया जाता है और उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। और जो इंट्रोडक्शन में होता है सिंपली होता है आपको पैराफ्रेज करना होता है क्वेश्चन को। यस गाइस, आपको पैराफ्रेज करना है, ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉट वेरी टिपिकल, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज एक ऐसा पार्ट है जो आपका चेकर हो उसे समझ आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन अच्छी बनाओ और सबसे मेन पॉइंट ही इंट्रोडक्शन होती है आपकी। और उसके बाद होता है बॉडी पैराग्राफ, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपका फर्स्ट आइडिया और उसे सपोर्ट करो। सपोर्ट के बाद उसका रिजल्ट दो अगर आप दे सकते हो तो। मतलब आप एक टॉपिक लिखो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो आपका आइडिया, और उसे सपोर्ट करो आपकी जैसे आप सपोर्ट करना चाहो, और उसका रिजल्ट दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद अगर आप एग्जांपल दे सकते हो तो इट्स मोर देन इनफ। एग्जांपल एक बहुत अच्छा पार्ट है जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है। तो दूसरे बॉडी पैराग्राफ में भी आपको यही करना है, एक आइडिया दो, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो और रिजल्ट दो, कहानी ख़त्म। और बॉडी पैराग्राफ आप तीन भी बना सकते हो, इट्स अपॉन यू, बट आई थिंक दो बॉडी पैराग्राफ इनफ होते हैं। लेकिन आप तीन भी बनाना चाहो तो इट्स नथिंग ए बिग डील। और लास्ट में एक कंक्लूजन होता है। तो गाइस कंक्लूजन इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन में करना क्या है, आपको पैराफ्रेज करना है, जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको पैराफ्रेज शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है और अपने आइडिया को क्लियर कर देना है। अगर आपको ओपिनियन मांगा जाए तो ओपिनियन लिख दो, अगर नहीं ओपिनियन मांगा गया तो जो भी ऊपर लिखा है उसको पैराफ्रेज करके छोटी सी भाषा में लिख दो कि कंक्लूड कर दो उसमें आपने ऊपर लिखा क्या है। तो टॉपिक किन किन तरह के होते हैं, तो गाइस सबसे पहले एग्री और डिसएग्री का टॉपिक होता है। और एग्री और डिसएग्री में आपको करना क्या होता है, एग्री और डिसएग्री में सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि टॉपिक, एक आपको टॉपिक दिया जाता है। एग्जांपल मान लो मैं आपको ये टॉपिक दिखाता हूँ, लेस एंड लेस पेरेंट्स दीज डेज आर स्मैकिंग देयर चिल्ड्रन, सम पीपल थिंकिंग दैट दिस इज लीडिंग टू ए जनरेशन ऑफ मिसबिहेव्ड चिल्ड्रन, डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस व्यू। सबसे पहले तो गाइस टॉपिक को समझो, और टॉपिक का मीनिंग क्या है ये रहा, आपको टॉपिक का मीनिंग मैं बताता हूँ। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्मैकिंग चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन को जो मारा जाता है उसके बारे में बात है, लेकिन आपको दिस द आइडिया दैट नॉट स्मैकिंग इज एक्चुअली अ बैड थिंग। आपको स्मैकिंग के बारे में पूछा गया कि जो चिल्ड्रन को आजकल मारा जाता है वो कम हो चुका है, नॉट, लेकिन पूरा स्मैकिंग के बारे नहीं पूछा गया कि वो बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ है। उन्होंने पूछा है कि बंद हो चुका है लेकिन उसके कारण ही जो चिल्ड्रन है मिसबिहेव कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, आपको पहले टॉपिक के बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने पूछा आप एग्री करते हो कि डिसएग्री। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइज बहुत से कैंडिडेट करते हैं, आपको उन्होंने पूछा आप एग्री हो या डिसएग्री हो, आपका व्यू बताना है आपको। आप एक तरफ जाओगे जहाँ तो आप एग्री करोगे कि हाँ आपको लगता है यही है कारण कि चिल्ड्रंस आज मिसबिहेव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप एग्री जाओ। अगर आप नहीं हो तो डिसएग्री करो, एक पॉइंट पे जाओ गाइज और क्लियर रहो अपने व्यू पे। अगर आप एग्री का भी लिखोगे डिसएग्री का भी लिखोगे, मीन्स एक बड़ी पैराग्राफ में एग्री और दूसरे में डिसएग्री, देन आपके स्कोर कम आएंगे गाइज।
और लास्ट में अपना अगर उन्होंने ओपिनियन मांगा है तो ओपिनियन दो। एक्चुअली एग्री और डिसएग्री दो तरह के होते हैं, एक एग्री और डिसएग्री सिंपल डिसएग्री, और एक एग्री और डिसएग्री जिसमें आपको पूछा जाता है टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री, और उसमें आप एग्री और डिसएग्री लिख सकते हो। यस गाइस, जब जो व्हाट एक्सटेंड वाला होता है उसमें आप एग्री और डिसएग्री लिख सकते हो। और अगला जो टॉपिक होता है उसमें है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज में क्या करना होता है, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे क्वेश्चंस गिव यू ए टॉपिक एंड देन आस्क यू टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और इसका मैंने भी आपको एक एग्जांपल दे रखी है, तो गाइस प्लीज़ एग्जांपल को पढ़ें और मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। सम ग्रेजुएट्स प्रेफर टू ट्रैवल फॉर ए ईयर बिटवीन ग्रेजुएशन एंड गेनिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस। तो ये कह रहे हैं टॉपिक किसके बारे में, पहले तो आप टॉपिक को समझो। ओके, टॉपिक है सम ग्रेजुएट्स प्रेफर टू ट्रैवल फॉर ए ईयर बिटवीन ग्रेजुएशन एंड गेनिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। कुछ जो ग्रेजुएट्स होते हैं ट्रैवल करना पसंद करते हैं एक ईयर का गैप लेके फॉर गेनिंग ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। आपको ये समझ आ चुका है टॉपिक, और उसके बाद आपने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, एक बॉडी पैराग्राफ में एडवांटेज, दूसरे में डिसएडवांटेज, और लास्ट में आपको कंक्लूज करना है कि आपके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने लिखे हैं वो क्या कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है एडवांटेज ज़्यादा है तो आप कह दो कि एडवांटेज मोर बेनिफिट दे रहे हैं हमें डिसएडवांटेज के ज़्यादा। और ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो टॉपिक होता है आई थिंक बहुत इजी होता है, तो आप कर पाओगे। और उसके बाद आता है डिस्कस बोथ व्यूज़। ओके, डिस्कस बोथ व्यूज़, और इसमें जो होती है बात जो सबसे समझने वाली होती है वो समझो आप। द डिस्कस बोथ व्यूज़ क्वेश्चंस गिव्स यू टू व्यूज़ और ओपिनियंस रिलेटेड टू ए टॉपिक एंड आस्क यू टू डिस्कस बोथ। यस गाइस, आपको दो व्यूज़ दिए जाते हैं और आपको दोनों के बारे में अपनी बातें रखनी होती है। फॉर example, सम पीपल थिंक इट्स द गवर्नमेंट्स responsibility टू टैकल environmental इशू, अदर believes इट इज अप टू ईच इंडिविजुअल टू environmentally responsibility, डिस्कस both sides। और आपको दो व्यू दिए गए हैं, एक कहते हैं लोग, एक पार्ट ऑफ मास कहता है कि गवर्नमेंट को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो टैकल environmental इशू, और दूसरे कहते हैं कि ये हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी समझे। आपको दोनों व्यू डिस्कस करने हैं, और इसमें भी गाइस दो बॉडी पैराग्राफ इनफ होते हैं। एक में आप गवर्नमेंट बारे लिखो कि हाँ जी वो गवर्नमेंट वाले जो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरे व्यू में लिखो कि हाँ जी कि भाई सारे हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पे रहता है, अर्थ पे रहता है, तो इन्वायरमेंट को सेव करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो बॉडी पैराग्राफ बनाओ और एक्सप्लेन करो टॉपिक, आपका आइडिया उसके सपोर्ट करो, रिजल्ट दो और एग्जांपल दो, ख़त्म करो, और लास्ट में कंक्लूजन इफेक्टिव बनाओ। ओके, इसमें भी ओपिनियन होता है, अगर आपको ओपिनियन पूछा जाए तो ओपिनियन ज़रूर देना है आपको लास्ट में कंक्लूजन में। और उसके बाद आता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ये भी एक ऐसे का टाइप है। इसमें क्या होता है गाइस, द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट्स यू विद एन इशू विच यू नीड्स टू डिस्कस एंड देन प्रोवाइड पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर। फॉर एग्जांपल, द ओवर पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज हैज लीड टू न्यूमेरियस प्रॉब्लम्स, identify one or two serious ones and suggest ways that governments can tackle these problems. तो इसमें आपको एक पूछा गया है कि ओवर जो पॉपुलेशन हो रही है अर्बन एरिया में उसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं, और आपको पूछा गया कि उसके क्या कारण है और गवर्नमेंट उसे कैसे टैकल कर सकती हैं, और आपको उसे सारा कुछ बताना है और अपने सोल्यूशन बताने हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस करना, और देन प्रॉब्लम और सोल्यूशन ऐसे में गाइज ऐसा होता है, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप अपने प्रॉब्लम्स बता दो, मतलब दो प्रॉब्लम्स आपने बता दी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और सेकेंड
बड़ी पैराग्राफ में उसके सॉल्यूशंस दे दो, नहीं तो आप ऐसा करो एक बड़ी पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम, देन उसका उसे सपोर्ट करो, देन उसका सॉल्यूशन साथ में बता दो। ये भी सही है आपका फॉर्मेट, जो आपको इजी लगे आप वैसा करो। और सबसे एक ऐसे का फॉर्मेट है डबल क्वेश्चन टाइप होता है जो रीडिंग राइटिंग ऐसे टास्क टू में, ये बहुत कम लोगों को पता है और बहुत से लोग ये करते भी नहीं है। डबल क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। इन द डबल क्वेश्चन ऐसे यू आर एक्चुअली आस्क टू क्वेश्चंस एंड यू नीड टू मेक श्योर यू आंसर्स बोथ। फॉर एग्जांपल टुडे मोर पीपल आर ट्रैवलिंग देन एवर बिफोर, पहले तो आप पहले क्वेश्चन को समझो, व्हाई इज दिस द केस। उन्होंने पहला क्वेश्चन हमें पूछा कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन पिछले ज़माने के लोगों के कंपेयर, मतलब कि आज लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट, वाई इज़ दिस द केस और ये क्यों हो रहा है। एक क्वेश्चन हो गया, आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग फॉर द ट्रैवलर्स, और ये दो क्वेश्चन आ गए। एक तो आपको बताना पड़ेगा कि आजकल के लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं और दूसरा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये दो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको दोनों के ही आंसर देने पड़ेंगे। अगर आप एक आंसर देंगे तो आप बिखा बैंड स्कोर नहीं आने वाला गाइस। तो क्वेश्चन को पहले समझो और देन उसका आंसर दो, और उसके बाद हे यू हैव टू टू क्वेश्चंस टू आंसर, व्हाई आर पीपल ट्रैवलिंग मोर देन बिफोर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग, यू शुड स्पेंड वन पैराग्राफ ऑन आंसरिंग ईच क्वेश्चन। यस गाइस, एक बड़ी पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आज के लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं ज़्यादा, और दूसरे बड़ी पैराग्राफ में आप लिखोगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो गाइस प्लीज़ फॉर्मेट टू फॉर्मेट चलो, आपके बैंड स्कोर राइटिंग में ज़रूर आएंगे। और ये फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया, और किस किन तरह के राइटिंग के जो ऐसे होते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो मेन गाइस मैं बताना चाहूँगा जो भी है वो है राइटिंग वे टास्क टू में जो आता है वो सबसे ज़्यादा एग्री और डिसएग्री, और उसके बाद बोथ व्यूज़, एग्रीज और डिसएग्री और बोथ व्यूज़ ऐसे ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो गाइस प्लीज़ उसे करके जाना। और गाइस थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर बताना, हिट कर देना, बजा देना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ योर चैनल।